नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। क्या हुआ जब एक गाय ने शिवलिंग पर चढ़ाया अपना दूध? फिर जो हुआ उसे देखकर यकीनन आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि जो भी सच्चे मन से भोलेनाथ का नाम लेता है यकीनन भोलेनाथ उसके सभी दुख दर्द दूर कर देते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी के तट पर कनकी नाम का एक छोटा सा गांव है, जिसके मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर कनकी का कनकेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। कनकी रायपुर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर कोरबा जिला में स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर में एक गाय रोज जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाती है। जी हाँ, आप हैरान रह गए ना। दोस्तों, ये कहना है मंदिर के प्रधान पुजारी पुरुषोत्तम यादव जी का, जो बचपन से मंदिर में पूजा कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी का कहना है कि उनके पूर्वज बैजू यादव गांव की गाय चराने का काम करते थे। जिस स्थान पर शिव मंदिर है वहीं पर झुंड की एक गाय अपना दूध गिराया करती थी। रोज दूध गिरने से बैजू को गाय मालिक से डांट खानी पड़ती थी। बैजू ने उस गाय पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने फिर देखा कि पत्थर जितनी छोटी सी आकृति पर गाय दूध गिरा रही थी। बैजू ने पत्थर को हटाने के लिए उस पर अपनी लाठी दे मारी, जिससे पत्थर का छोटा सा टुकड़ा अलग हो गया। इस घटना के बाद रात को बैजू को सपना आया कि जिसे पत्थर समझकर वो हटाने की कोशिश कर रहा था वो वास्तव में शिवलिंग है। बैजू ने जब दूसरे दिन उस जगह की मिट्टी हटाकर देखा तो वहां शिवलिंग था। शिवलिंग टूट चुका था। ऐसा देख बैजू बहुत ही घबरा गया और महादेव से माफी मांगने लगा। बैजू ने महादेव से वादा किया कि मैं इस स्थान पर एक मंदिर बनाऊंगा और बाद में इसी स्थान पर उस खास मंदिर का निर्माण कराया गया। पुरुषोत्तम जी ने बताया कि शिवलिंग के पास चावल के दाने पड़े होने के कारण मंदिर का नाम कनकेश्वर महादेव मंदिर रखा गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चावल को कनकी कहा जाता है। पुजारी जी का कहना है कि शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से भगवान शिव दरिद्रता दूर करते हैं, इसीलिए दूर दूर से भक्त यहाँ चावल चढ़ाने आते हैं। मंदिर के स्थापित होने के बाद वहां पर एक गांव भी बस गया, जिसका नाम कनकी रखा गया और हर साल सावन में यहाँ भोले के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। शिवलिंग जोड़े जाने के बाद भी शिवलिंग पर कटे का निशान था, जिस पर चांदी का कवच चढ़ाया गया है। इस मंदिर से जुड़ी विशेष बातों में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि जून माह में श्रीलंका से आने वाले पक्षी एशियन बिल स्टॉक इस मंदिर के पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। यहाँ नवजात पक्षियों के प्रजनन के लिए अंडे भी देते हैं और जब पक्षी उड़ान भरने योग्य हो जाते हैं तब वो वापस चले जाते हैं। पक्षियों का ये झुंड केवल मंदिर परिसर के पेड़ों पर ही देखा जाना आश्चर्य का विषय है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।